गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। सामने से एक छोटा सा पेट पपी सम्राट शमशेरा, देखो कैसे देख रहे हैं उसको, अभी चिल्ला देंगे दो मिनट में। पहले तो प्यार से देखेंगे फिर चिल्ला देंगे। गाइज, अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाया करो अगर आप चैनल पर नए आते हो तो। आज दिन की शुरुआत हो रही है 8 बजे। पहले मैं 6 बजे उठी थी, इनको बाहर लेके गई थी, बट पता नहीं आज मुझे काफ़ी बॉडी पेन था वर्कआउट की वजह से शायद, तो मुझे लग रहा था कि मुझे थोड़ी देर और नींद लेनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे नींद पूरी नहीं हुई है, तो मैं उठी हूँ दोबारा से 8 बजे और दोनों बच्चों को मैंने उठते ही खाना दे दिया है और अपने लिए मैंने यहाँ पे बना ली है चाय। मैं बैठी हूँ चाय पीने के लिए, तब तक दोनों बच्चे बालकनी में एंजॉय कर रहे हैं, मैं चाय पी लेती हूँ, इनको यहाँ पे बैठे रहने देते हैं, फिर इनको लेके जाती हूँ मैं बाहर और उसके बाद निकलूँगी जिम के लिए। लेग वर्कआउट हो चुका है डन, अब मैं जा रही हूँ घर। घर में देखती हूँ कि आज भी शैतानी हुई है कि नहीं हुई है, कल तो नहीं हुई थी, तो आज देखते हैं कि आज क्या किया है दोनों बच्चों ने। पहुँच चुकी हूँ मैं घर, अब खोलते हैं घर का दरवाज़ा। दरवाज़ा खोलते वक्त ऐसी धक धक लगी रहती है ना, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। पहले ही आवाज़ें आने लग गई हैं अंदर से आज। ओ बापरे, ओ बापरे, अरे बापरे, तुम ही बोल लो, मैं कुछ नहीं बोल रही। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। भाई ये तो मेरे को बात भी नहीं करने दे रहे आज। ठीक है, ओके, तारी नहीं करी ना, गुड बॉयज। पहले समझी रखी पारी, गुड बॉय, ये लो गुड बॉयज, चलो भागो अब यहाँ से। इस लड़के ने शैतानी नहीं करी थी, इतना चिल्लाया है ये, इतना चिल्लाया, इसने मुझे बोलने ही नहीं दिया है, बोलने ही नहीं दिया है, क्योंकि उसको पता था मैंने शैतानी नहीं करी है तो मैं हल्ला मचा सकता हूँ। बहुत चालाक है ये लड़का, बहुत ही चालाक है ये लड़का। तेज खोपड़ी हमारा, तेज खोपड़ी, तेज खोपड़ी, खुश हो गया। चलो, बच्चे खुश, मम्मा भी खुश, सब खुश, बस हो गया, हो गया, अरे हो गया भाई, हो गया। नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ, घर की सफाई कर ली है, सम्राट शमशेरा का चिकन भी बना दिया है, राइस भी बना दिए हैं और अब मैं बनाती हूँ फटाफट से अपने लिए खाना। और अभी 12:30 हो रहे हैं, खाना बनाने में आधा घंटा लग जाएगा क्योंकि मुझे सिर्फ अपने लिए खाना बनाना है, तो आधे घंटे में फटाफट से अपने लिए खाना बनाती हूँ। दोनों बच्चे फैले पड़े हैं, जब से मैं घर आई हूँ तब से चैन की नींद सो रहे हैं दोनों के दोनों। ये सोया पड़ा है सम्राट और उधर सोया पड़ा है शमशेरा, इनको आराम से सोने देती हूँ जब तक ये सो रहे हैं। मैं अपने लिए फटाफट बना लेती हूँ खाना और इनका खाना ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि जब भी खाना गर्म होता है शमशेरा खाना नहीं खाना पसंद करता, मतलब वो खाता ही नहीं है, उसको गर्म खाने से थोड़ा सा दिक्कत होती है, अगर गुनगुना भी होता है ना वो नहीं खाता, वो छोड़ देता, पूरा प्रॉपर ठंडा खाना चाहिए उसको खाने के लिए। तो खाने को मैं तब तक इनका ठंडा करने के लिए रख देती हूँ और अपने लिए बना के खा लेती हूँ। दोपहर के 2 बज गए हैं, दोनों बच्चों को मैंने दे दिया है लंच और बाहर बहुत ही खतरनाक बारिश का मौसम बन चुका है, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट ये दोनों खा लें और शमशेरा का बाहर जाने का टाइम है, तो इन दोनों को लेके जाऊँ फटाफट से बाहर।
और लेकिन थोड़ा जल्दी खा ले क्योंकि बारिश जो आने वाली है ना वो बहुत तेज आने वाली है, क्योंकि एकदम से मौसम बन गया है बारिश का, बहुत तेज वाली बारिश का। तो आप बस ये खा लें फटाफट। मैंने अपना खाना खा लिया था 1:15 बजे, क्योंकि मेरा खाना बन चुका था तो मैंने सोचा खा लेती हूँ, खाना ठंडा करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने खाना खा लिया था। इसीलिए मैं सोच रही थी जल्दी खाना खा लेंगे तो बाहर चले जाएंगे, बारिश शुरू हो ही गई है। मज़ेदार। लेकिन ये दोनों इतने दुष्ट हैं, ये नहीं कि पॉटी कर ले। शमशीरा पॉटी कर ले यार, लड़के जल्दी पॉटी करो, चलो शमशीरा इससे पहले कि तेज़ बारिश आए, जल्दी कर ले, भीग रहे हैं यार। पता नहीं क्या बिगड़ गया आजकल, ना वो कर रहा नहीं ये। पॉटी कर दे, चलो पॉटी करो शमशीरा, नहीं करनी चले। गुड्डू छोके उद गए, गुड्डू मिले मैं गुड्डू पुदू छोके उद गए। तो पेट में लात क्यों मारता है सम्राट, लगती है ये नहीं सोचता। हाँ ओले मेरे चमचेलू, ओले मेरे बच्चे उद गए छोके, निन्नु पूली हो गई बच्चों की, निन्नु विन्नु पूली हो गई। अब झगड़ा, बेड से नीचे उतरो पहले तो सम्राट। बेवजह उस पर गुस्सा करेगा फालतू का। हाँ तो उसको लड़ाई मत करो यार, मैं दोनों को प्यार कर लूंगी, दोनों को। उठने के बाद मम्मा दोनों को पाली करती है ना। कितना तंग करता है ये सम्राट शमशेरा को, देखो जरा। क्या हुआ, तंग कर रहा है? हाँ इसका मुंह बंद कर दे, ऐसे बंद कर दे, इसका मुंह बंद कर दे सम्राट ना शमशीरा, शमशीरा हाँ बंद कर दो इसका मुंह। बदमाश। ये देखो यहाँ पे आके इन्हें बाहर जरूर देखना होता है। आज बहुत दिनों बाद आसमान थोड़ा सा खुला हुआ दिख रहा है, बादल थोड़े कम है। कितना सुंदर मौसम लग रहा है अभी। वहाँ मत खींचो, हाँ इधर आ, चलो यहाँ से देखो, हाँ यहाँ से देखो, गुड बॉयज। अरे वाह सम्राट भी सीख रहा है धीरे धीरे यहाँ से देखना, पहले सिर्फ शमशीरा देखा करता था सम्राट। जब से हम यहाँ पे आते सम्राट बहुत छोटा होता था, बट अब तो वो भी पहुँचने लग गया है तो वो भी देख रहा है बाहर के नज़ारे। शमशीरा कितने आराम से बैठ गया है। अभी मैं उधर की तरफ इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे काफ़ी भीड़ है, लोग वॉक कर रहे हैं शाम को, आज मौसम अच्छा है तो काफ़ी लोग बाहर निकले हैं। उधर गोल्फ ग्राउंड में भी आज काफ़ी लोग दिख रहे हैं और इधर बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा इन्हें थोड़ी देर यहाँ पर बिठा देती हूँ। इसको घास, सम्राट तो घास खाना बंद करेगा, सारी घास खा लेगा ये, है ना, सारी घास खा लेगा। शमशीरा बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा। नोनू शमशीरा को बच्चे दिख गए, बस बच्चे दिखते ही उसकी पूंछ हिलनी शुरू हो जाती है, खुश हो जाता है बच्चों को देख के। 2 दिन से हम वॉक पे नहीं आ पाए थे क्योंकि 2 दिन से हो रही थी शाम के टाइम पे बारिश। आज बहुत ही अच्छा मौसम है, आप देख सकते हो बादल हट गए हैं, मतलब आज मौसम खुला हुआ है काफ़ी। तो मैंने सोचा चलो दोनों बच्चों को घुमा के लाती हूँ, मैं भी घूम के आती हूँ। इतनी सुस्सू और इतनी पॉटी कर ली है इन दोनों ने आज घूमते घूमते। सम्राट ने ना हर पिलर पे देखो सुस्सू करके आया, हर पिलर को गीला करके आया, अपने निशानियां छोड़ते हुए जा रहा है हर पिलर पे। साइड में, साइड में चलो, साइड में चलो, हाँ ये देखो हर पिलर को गीला करते हुए जाएंगे, ऐसे ऐसे गीले करते हुए आए हैं और अब गीला करते हुए जाएंगे हर पिलर को। वैसे ही बरसात से यहाँ कम गीला है, तुम और गीला कर लो सब कुछ। जब हम वॉक पे निकलते हैं बुलेट ट्रेन की स्पीड से खींचते हैं ये दोनों के दोनों, मुझे इतनी स्पीड में खींच के ले जाते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। और आते वक्त देखो कैसे धीरे धीरे चलना होता है इनको। चलो आओ इधर से आओ। दोनों बच्चों का डिनर टाइम हो चुका है और आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों खाने के लिए हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, गुड बॉयज। शमशीरा सेट, शमशीरा सेट, गुड बॉय, वेरी गुड बॉयज, मेरे प्यारे बच्चे। खाने के लिए तो सारी बात मान जाते हैं, वैसे आप कुछ भी करवा लो वैसे नहीं मानेंगे, बट अगर खाने की बात आई तो मम्मा आप जो चाहे उनसे करवा लो, हम सब कर लेंगे, बस क्योंकि आप हमें खाना दे दो बस, है ना।
ये लीजिए सम्राट सर, और चलो भाई चलो चलो चलो, ये लीजिए शमशेरा सर आपका खाना। दोनों बच्चों को मैंने खाना दे दिया है। अपने लिए आज मैं कुछ भी नहीं बना पाई थी क्योंकि मुझे हल्का सा फीवर और कोल्ड है, तो मुझे कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा था। बट मुझे भूख भी लगी है और बिना खाए सोऊंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि सुबह तक बुखार और हो जाएगा। तो इसलिए अब मैं सोच रही हूँ फटाफट से अपने लिए कुछ जल्दी जल्दी जो बन जाए वो बना के मैं खा लूँ। और अभी इनको वॉक पे ले गई थी, सुसु पॉटी दोनों कराए हैं, अभी बस सिर्फ सुसु कराने के लिए दोनों को लेके जाना पड़ेगा। और तब तक जब तक ये खा रहे हैं मैं अपने लिए कुछ हल्का सा लाइट सा कुछ खाना बना लेती हूँ। अभी तक तो शमशेरा से खेल रहा था, अब मुझसे लड़ने आ गया, मुझसे लड़ने आ गया। खाना खाने के बाद इसको सबसे लड़ाई करनी होती है, सबसे झगड़ा करना होता है। मैं पारी कर दूंगी फिर कैसे झगड़ेगा, मुझे तेरा पता है कि तू कैसे कंट्रोल में आता है, तेरे को यहाँ पारी कर दो फिर देखो, फिर देखो बंदर को, बंदर फिर हमारे कब्जे में। अब ये दोनों खेलने में लगे हुए, दोनों ने खाना खा लिया है और अब मैं अपना खाना खाती हूँ। इस ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड, जल्दी से मिलेंगे।